रोहित शर्मा को ओपनिंग से जाएगा हटाया। क्या इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में रोहित नहीं करेंगे ओपन? रोहित की जगह किसको मिलेगा मौका? वीडियो में जानिए क्या है पूरा मामला। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हारने के बाद अब टीम इंडिया की बल्लेबाजी के बारे में काफी बात हो रही है। टीम के मिडिल ऑर्डर पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, वहीं ओपनिंग पर भी काफी मंथन हो रहा है। जाहिर है कि भारत की सलामी जोड़ी यानी कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल भारत को अच्छी शुरुआत जरूर दिला पाए थे, लेकिन वो दोनों ही अपनी पारी को बड़ी इनिंग में तब्दील नहीं कर सके थे। ऐसे में अब क्या रोहित शर्मा एक बार फिर से ओपनिंग की जगह छोड़ देंगे? कम से कम टीम के इस महान खिलाड़ी का तो यही मानना है। इस महान खिलाड़ी ने टीम इंडिया को नसीहत दी है कि वो रोहित शर्मा की जगह इन दो खिलाड़ियों की ओपनिंग जोड़ी को ट्राई करके देख सकती है, जिससे अंदाजा हो जाएगा कि कौन बेहतर बल्लेबाज है। ये नसीहत देने वाला कोई और नहीं बल्कि भारत के सबसे महान सलामी बल्लेबाज सुनील गावस्कर हैं। सुनील गावस्कर ने एक चैट शो के दौरान कहा कि टीम मयंक अग्रवाल और शुभमन गिल की जोड़ी को ट्राई करके देख सकती है और दोनों की टेक्निक को परख सकती है। सुनील गावस्कर ने कहा कि मयंक अग्रवाल ने भारत के लिए वास्तव में अच्छा काम किया है और दो पारी में शुरुआत करते हुए दोहरा शतक जड़ा है। ये अच्छी बात है कि बीसीसीआई और जय शाह ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले कुछ प्रैक्टिस मैच कराने की पहल की है, ताकि आप तय कर सकें कि गिल और अग्रवाल में से भारत के लिए कौन ज्यादा बेहतर ओपनिंग बल्लेबाज है। गावस्कर ने कहा कि रोहित एक अच्छे बल्लेबाज हैं और वो कुछ मैचों में आराम कर सकते हैं और टीम प्रैक्टिस मैचों में मयंक अग्रवाल और शुभमन गिल की जोड़ी को ट्राई करके देख सकती है कि रोहित के साथ सलामी बल्लेबाजी के लिए कौन ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या टीम रोहित शर्मा को ओपनिंग स्लॉट छोड़कर बाहर बिठाएगी? दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या आप सुनील गावस्कर की दी हुई इस नसीहत से इत्तेफाक रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर के अपनी राय जरूर बताइएगा। क्रिकेट सूत्रा को आपने अगर अभी तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में नोटिफिकेशन की घंटी को भी जरूर बजाइए। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और क्रिकेट जगत की हर छोटी बड़ी खबर के लिए लगातार बने रहिए क्रिकेट सूत्रा के साथ।